सुखदेव, आप चिंता मत करिए। आपने जो लंकेश को दिया था वो तो अमृत कलश हो ही नहीं सकता। हनुमान, यदि वो अमृत नहीं था तो क्या था? हनुमान, तुमने जो पिया है वो अमृत नहीं, चंद्रलोक का जल है, साधारण चंद्र जल। बिना पात्रता के कोई अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। जो अमृत ग्रहण करने के योग्य पात्र होता है मात्र वही अमृत पान कर सकता है। नहीं, नहीं गुरुदेव, ये नहीं हो सकता। पात्र हूं मैं, सयोग्य पात्र हूं मैं। मां शिव भक्त हूं मैं, मां तपस्वी रावण हूं मैं। अमृत ग्रहण कर सकता हूं मैं। गुरुदेव देखिए, अमृत में अभी भी उबाल आ रहा है। देखिए गुरुदेव, ये अमृत ही है। गुरुदेव आपको भ्रम हुआ है। लंकेश, समुद्र से घिरी हुई लंका में रहते हो, फिर भी तुम्हें स्मरण नहीं है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि समुद्र के जल में भी उफान होता है। ये तो चंद्र जल है, इसमें तो और भी अधिक उफान होगा। लंकेश, मैं तुम्हारा गुरु, गुरु के ज्ञान पे कभी शंका नहीं करना चाहिए। आपके ज्ञान पर शंका नहीं, किंतु अपने ज्ञान पर आत्मविश्वास करता है रावण। ये सत्य है और मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखा सकता हूं। सैनिकों धराओ। जी 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 लंकेश। जी जी लंकेश। सैनिको, अपने खड़क से मेरे ऊपर वार करो, भरपूर वार करो। दशानन, ये क्या कर रहे हो तुम? आप चिंता ना करें माते, आपके पुत्र का कोई अहित भी नहीं कर सकता। अमृतधारी हो चुका है आपका पुत्र। पुनः मूर्खता मत करो रावण। बस बस गुरुदेव, बस। करो वार मुझ पर, भरपूर वार करो मुझ पर, मेरी डेह पर वार करो। गुरुदेव की बात मानो पुत्र, ऐसा मत करो। वार करो मुझ पर, अन्यथा मैं तुम पर वार करूंगा। वार करो। क्षण में यह सिद्ध हो जाएगा कि ये चंद्रलोक का साधारण जल नहीं, अमृत है, जिसके प्रभाव से मेरी ये चोटें शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। इतना समय हो गया रक्त बहते हुए लंकेश, अगर तुमने अमृत पान किया होता तो रक्त बहना बंद हो जाता। छल किया है तुम्हारे साथ चंद्रदेव ने। किंतु मैंने तो स्वयं अमृत कलश यहाँ से ले जाकर लंकेश रावण को दिया था, फिर ऐसा कैसे हुआ? स्वामी, ये जो कुछ भी हुआ हनुमान के कारण हुआ।
जब हनुमान आपको यहाँ चंद्रलोक ढूंढते हुए आए थे और हम सभी अमृत की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे, तब हनुमान ने कहा, चिंता मत कीजिए चित्रा माता, इसका उपाय भी है मेरे पास। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हो सकती है अमृत की सुरक्षा। ये तुमने क्या किया हनुमान? माता, आप ही ने बताया था ना कि ये मंत्र किसी को स्मरण नहीं रहता। इस पुस्तक से ही मंत्र का जाप किया जाता है। हाँ, किंतु हनुमान, तुमने तो मंत्र का पृष्ठ हटाकर अन्य स्थान पर रख दिया और इस प्रकार तो मंत्र त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। और इससे क्या होगा? जब कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध ही अमृत ले जाने का प्रयास करेगा तो मंत्र के दोषयुक्त उच्चारण से उसे अमृत की नहीं जल की प्राप्ति होगी। किंतु हनुमान, फिर अमृत कैसे प्राप्त होगा? यदि आपको अमृत प्राप्त करना है तो स्मरण कर लीजिए। मैंने पुस्तक के चतुर्थ पृष्ठ को द्वितीय पृष्ठ पर रख दिया है। उसे पुनः अपने स्थान पर रख देंगी तो मंत्र पुनः ठीक हो जाएगा। अर्थात हनुमान की बुद्धिमता के कारण लंकेश को अमृत के स्थान पर चंद्र जल मिल गया। हाँ स्वामी, उस समय हमने अमृत की सुरक्षा के लिए उस मंत्र को ठीक ही नहीं किया था। वास्तविक अमृत अभी भी चंद्रलोक में सुरक्षित है। अमृत रक्षक हो गए हनुमान, देव काज में अर्पित जीवन दिया उपाय परम युक्ति से, गुण और ज्ञान भरी सुमति से, रावण के छल बल का उत्तर नूतन नीति से दे रहे कपिवर, अंजनी लाल नीति के सागर, तुम्हरे तेज से जगत उजागर। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अनुपस्थिति में रावण और उसके असुरों से अमृत को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह आवश्यक था स्वामी। हनुमान, तुमने मेरी शनि दशा से ही रक्षा नहीं की, मुझे घोर पाप से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने। चंद्रदेव, ये सब जो हुआ है सब मेरी माँ के आशीर्वाद के प्रताप से ही हुआ है, अन्यथा मैंने तो राक्षसों से सुरक्षा के लिए किया। हनुमान, तुमने अमृत कलश की सुरक्षा केवल राक्षसों से ही नहीं की है, अपनी माँ का भी वचन पूर्ण किया है तुमने। अब तक तो रावण को ज्ञात हो गया होगा कि वो अमृत अमृत नहीं केवल चंद्र जल है। स्थान पर साधारण चंद्रजल, देवता तुम पर विश्वास करके कि तुम सरल हो सच्चे हो, मैंने बहुत बड़ी भूल की। चंद्रदेव, तुम्हें इस छल का परिणाम भुगतना होगा। लंकेश दशानन रावण आ रहा है। तुम पुनः मूर्खता करने जा रहे हो रावण, जाओ सर्वप्रथम अपना उपचार कराओ।
स्वार्थ में अंधा होकर जब मनुष्य किसी से चालाकी करता है तो वो ये नहीं जान पाता कि कभी कभी उसी की चालाकी उसके लिए संकट बन सकती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ। दूसरी ओर परमार्थ के लिए हनुमान के द्वारा की गई चालाकी ने अमृत को असुरों के हाथ में जाने से बचा लिया। परमार्थ के लिए किया गया कार्य वो भले ही चालाकी हो किंतु वो सफल होता है। विजय सदैव सत्य की ही होती है। मैं तुम्हारी माता का बहुत आभारी हूं हनुमान, तुमने उनके वचन को निभाया और मेरी शनि दशा से रक्षा हो पाई। तुम्हारी माता को मेरा नमन। हनुमान, तुमने अपनी माता का वचन भली भांति पूर्ण किया है। अब तुम शीघ्र सुमेरु जाओ और अपनी माता का व्रत पूर्ण करो, क्योंकि तुम यदि नहीं जाओगे तो उनका व्रत पूर्ण नहीं होगा। हाँ चंद्रदेव, माँ व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। आप सब माताओं को भी प्रणाम। मुझे आज्ञा दे माता। सत्य है, हनुमान जगत का संकट मोचक है। संकट मोचन बन कर लिया सृष्टि का सब संकट हर। मन में रख कर माँ का ध्यान, लौट रहे घर परम सुजान। मंगल जननी जन्म भूमि का, सुफल कपीश्वर नवल भूमिका। तेजवंत हनुमंत की जय हो, केसरी नंदन जय 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 हो। ये गाथा बाहुबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाहुबली हनुमान। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। मैंने कहा था ना केसरी जी, जिन चंद्रदेव के दर्शन के लिए देवी अंजना ने अन्न जल का त्याग किया था, उन्हीं की अमृतमय औषधियों से युक्त रश्मियां देवी अंजना को शक्ति प्रदान। सत्य है ऋषिवर, अद्भुत है ये महापूर्णिमा की चंद्र किरण। किंतु मैं आपका व्रत पूर्ण करा के शीघ्र ही आपके सारे कष्ट मिटा दूंगा। मैं आ रहा हूँ माँ। हाँ?
क्षण ठहरो हनुमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे क्षमा करें कालदेव, मेरी माँ ने 3 दिनों से निर्जला व्रत रखा है। अब महापूर्णिमा के चंद्र भी उदित होने को हैं। मुझे शीघ्र जाकर मुझे माँ का व्रत पूर्ण कराना है। मेरे बिना उनका व्रत पूर्ण नहीं होगा। अर्थात तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि कुछ क्षण ठहर कर तुम मेरी बात सुन सको? ऐसा नहीं है कालदेव, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो मेरी माँ का एक एक क्षण कितना कष्टकारी व्यतीत हो रहा होगा। मुझे इस वक्त सुमेरु में होना चाहिए था कालदेव। मुझे आज्ञा दे कालदेव, मुझे जाना होगा। प्रणाम। हनुमान, मैं तुम्हें समझाने आया था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे दृष्टि में काल का कोई मोल नहीं है। अब तुम्हें यह ज्ञात कराना पड़ेगा कि काल का क्या मोल होता है। माँ का व्रत पूर्ण कराने की शीघ्रता में मैंने कालदेव के प्रति कोई अभद्रता तो नहीं कर दी? मैं माँ का व्रत पूर्ण करा के शीघ्र कालदेव के पास लौटकर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लूंगा। किंतु अभी तो शीघ्र ही सुमेरु पहुँचना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। अंजना, हनुमान अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। देखो, चंद्रदेव अपनी पूर्ण भव्यता के साथ आकाश पटल में प्रकाशित हो रहे हैं। देखो, चंद्रोदय हो गया है। अब इनके दर्शन करके तुम अपना व्रत पूर्ण करो पुत्री। मैं अपने पुत्र हनुमान के बिना कैसे अपना व्रत पूर्ण कर सकती हूँ? उसने भी तो व्रत रखा है। लौट आया अंजना। माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ पुत्र, अब मुझे अपने चंद्र के दर्शन हो गए, मैं ठीक हो गई। माँ, मैंने चंद्रदेव की रक्षा करके आपके वचन को पूर्ण कर दिया है। मैं जानती थी पुत्र कि तुम मेरे वचन का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र हनुमान। केसरी जी, जो पुत्र अपने माता पिता के दायित्व को, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए प्राण प्राण से प्रयास करे, उस पुत्र पर तो सारा संसार गर्व करता है। क्या बात है महाराज कालदेव, कुछ विचलित से प्रतीत हो रहे हैं। क्या हनुमान ने आपकी बात नहीं मानी? हनुमान ने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। मुझसे यह भूल हुई कि मैंने उसे उस समय कुछ नहीं कहा जब वो काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमा रहा था।
या फिर उस समय जब उसने मेरी तप भंग करने की उदंडता की। हनुमान ने अपने पूर्व काल में कई अनुचित कार्य किए हैं जिससे नियम भंग हुए हैं। यदि उसे नहीं रोका गया तो अनुचित कार्य और भी बढ़ते रहेंगे। हनुमान, तुमने जो प्रकृति के विरुद्ध अनुचित कार्य किया है वो तुम्हें दंड का भागी बनाता है। तुम्हारे अनुचित कार्य के लिए तुम्हें दंड भोगना होगा। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र हनुमान। केसरी जी, जो पुत्र अपने माता पिता के दायित्व को, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए प्राण प्राण से प्रयास करे, उस पुत्र पर तो सारा संसार गर्व करता है। किंतु मुझे वचन पूर्ण करने में बहुत विलंब हो गया माँ। माँ, और अब आप अधिक विलंब मत कीजिए, मैं अभी पूजा का थाल लाता हूँ। आप पूजा आरंभ कीजिए, अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। चंद्र पूजन आरंभ करो पुत्री अंजना। ओम चंचंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः। सुधाकराय नमः, ओम शशधराय नमः, ओम चंगनिशीनाथाय नमः। तो कुछ खा लीजिए। तुम्हारे हाथ से भोजन करके तुम्हारी माँ के देह में अनुपम शक्ति आ गई है। हाँ हनुमान, तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ की चेतना लौट आई थी। हनुमान, ये तो बताओ कि शनिदेव इतने अधिक क्रोधित थे चंद्रदेव के साथ, तो उन्होंने चंद्रदेव को क्षमा कैसे कर दी? माँ, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, किंतु पहले आप ये बताइए आप और क्या सेवन करना चाहेंगी? पुत्र हनुमान, मेरी भूख, प्यास, सुख, आनंद सब तुमसे ही है पुत्र। तुम नेत्रों के समक्ष हो तो मेरा मन यूं ही तृप्त हो जाता है। माँ,
माता का सच्चा आनंद पुत्र के स्पर्श और दर्शन में है, पुत्र का सुख माता के आंचल में। माता और संतान के इस प्रगाढ़ संबंध में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। मेरे लाल, कोई दुस्वप्न देखा था क्या, इसलिए इतने विचलित हो? स्वप्न तो मिथ्या है, भ्रम है। और फिर जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो ना, तो मनुष्य परिस्थितियां ही नहीं, अपना भविष्य भी बदल देता है। हनुमान, क्या हुआ? मुझे हनुमान का स्वर सुनाई दिया? स्वप्न देखा था,
इसीलिए तनिक विचलित हो उठा है। पुत्र हनुमान, ये महादेव के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्प हैं। इन पुष्पों को अपने शीश के निकट रखकर सोओगे तो तुम्हें दुस्वप्न नहीं आएंगे। ये तो अभी भी विचलित दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, तुम मेरे अंक में सिर रखकर सो जाओ, फिर तुम्हें सुख की निद्रा भी आ जाएगी और कोई स्वप्न भी नहीं आएंगे। नहीं, पुत्र हनुमान के साथ मैं सोऊंगा, मेरे भय से तुम्हें दुस्वप्न कभी नहीं आएंगे। संतान के लिए माँ के आंचल से बड़ा कोई अन्य सुख या सुरक्षा नहीं होती स्वामी। मैं सोऊंगी हनुमान के साथ। नहीं नहीं, पिता का संबल ही पुत्र की सुरक्षा होती है। मैं सोऊंगा पुत्र हनुमान के साथ। मैंने कहा ना, मैं रहूंगी हनुमान के पास। नहीं 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 नहीं, केसरी के साथ ही सोएंगे केसरी पुत्र। मैंने जो कहा वही होगा। अच्छा, मैंने जो कहा वही होगा, मैं सोऊंगी हनुमान के साथ। मैं और पिताश्री दोनों आमने सामने, देखें क्या होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, अंजनी पुत्र अंजना माता के साथ ही सोएगा। नहीं, हमारे साथ सोएगा हमारा पुत्र। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने कहा ना, अंजनी पुत्र अंजना माता के साथ ही सोएगा। मैंने जो कह दिया वही होगा बस। मैं जो कह रही हूँ वही होगा, मेरे पास सोएगा हनुमान। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सोऊंगा उसके साथ। मेरे पास मैं सोऊंगा उसके साथ। मेरे पास मेरे साथ मेरे साथ। नहीं माँ, नहीं पिताश्री, आज केसरी नंदन और अंजनी पुत्र हनुमान अपनी माँ और पिताश्री दोनों के साथ सोएगा। जिसके शीश पर अपने माता पिता का वरद हस्त हो, उसे ना तो कोई बुरे स्वप्न और ना ही कोई असुरी माया सता सकती है। माँ एक और माँ सोएंगी और दूसरी और पिताश्री, और उनके मध्य उनका नन्हा सा लाडला सा हनुमान सोएगा। पुत्र हनुमान, ऐसे दुस्वप्न से विचलित होकर शीघ्रता से कार्य नहीं लेना चाहिए, स्वयं को हानि पहुंचती है, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। मन को शांत रखकर उसका सामना करना चाहिए। अच्छा पिताश्री, बहुत दिन हो गए आपकी गदा का सामना नहीं किया। गदा युद्ध अभ्यास। हाँ हाँ पुत्र, अवश्य कल प्रातः हम गदा अभ्यास करेंगे, किंतु उसके लिए अभी आपको निद्रा लेनी होगी। हाँ हनुमान, सो जाओ। माँ, माता पिता हो साथ में तो संतान को भय कैसा। हनुमान क्या हुआ पुत्र, सो जाओ। जब मेरी माँ मुझे लोरी सुनाएंगी तभी मैं सोऊंगा। छन छन यही कहता कंकन
लगता है मुझे उठने में विलंब हो गया। गदा? हाँ, पिताश्री ने कहा था कि प्रातः काल में हम गदा अभ्यास करेंगे। बहुत आनंद आएगा। माँ आप कहाँ जा रहे हो पुत्र? हाथ धो लो, पहले कुछ खा लो, फिर जाना। नहीं माँ, पहले मैं पिताश्री के साथ गदा अभ्यास करूँगा, फिर कुछ करूँगा। वो हाथ तो धो लो। नहीं माँ, बाद में धो लूँगा। मंत्री जी, किसी स्वप्न दृष्टा को बुला लीजिए। हनुमान ने कल रात को कोई दुस्वप्न देखा था। जी महाराज। पिताश्री, पिताश्री। तुम रणांगन में चलो, मैं अभी आता हूँ। जी पिताश्री। पिताश्री अभी तक नहीं आए। प्रणाम युवराज, आज आप रणांगन में? आज युद्ध अभ्यास में बहुत आनंद आने वाला है। और आपको ज्ञात है, आज मैं पिताश्री से कोई नया रण कौशल सीखूंगा। और आप सबको ज्ञात है मेरे पिताश्री को कितनी सारी रण कौशल की नीतियाँ आती हैं। उन्हीं से तो मैंने सीखकर उन सारे असुरों को परास्त किया था। पिताश्री, आप वहाँ खड़े हैं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। कहो पुत्र, किस तरह से अभ्यास करना चाहोगे? पिताश्री, आप अपनी गदा लीजिए। अच्छा पिताश्री, आज आप मेरी गदा लीजिए और अपनी गदा से अभ्यास करने दीजिए मुझे। हाँ पुत्र, अवश्य, जैसा तुम कहो। अब आनंद आएगा। पिताश्री, अब आरंभ करें। मैं तो कब से सजग खड़ा हूँ पुत्र। पिताश्री, क्या हुआ? पिताश्री, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ पुत्र, तुम अपने अभ्यास पे ध्यान लगाओ। जी पिताश्री। और ये मेरा वार संभालो। ये लीजिए। क्या हुआ हनुमान? कुछ भी नहीं हुआ पुत्र। नहीं, आप दीजिए ना। पिताश्री, आपके पैरों में कुछ हुआ तो नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है पुत्र। मेरी गदा लाओ। नहीं पिताश्री, आप चलिए वहाँ। हनुमान, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पिताश्री, मैं कह रहा हूँ, चलिए विराजिए वहाँ। हनुमान। पिताश्री, चलिए ना आप। पिताश्री,
अपने पैर दिखाइए। हनुमान कुछ नहीं है, ठीक है पुत्र। नहीं पिताश्री, दिखाइए। ये क्या पिताश्री, आपके पाँव में इतने सारे छाले पड़ गए, आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी ना? हनुमान माँ का व्रत तो पूर्ण करवा ही चुका होगा, अब तक उसे मेरे समक्ष आ जाना चाहिए था, किंतु वो अब तक नहीं आया। दंड का भागी है हनुमान, नियम है तो यम है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हनुमान माँ देखिए ना, पिताश्री के पाँव में कितने छाले पड़ गए हैं, बहुत पीड़ा हो रही होगी इन्हें। मुझे ज्ञात है हनुमान, जिस प्रकार तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो, उसी प्रकार तुम्हारे पिताश्री ने मेरे स्नेहवश मेरे प्राण बचाने का प्रयास किया, इसीलिए उनके पांव में छाले पड़ गए। किंतु ऐसा क्या हो गया था? ये मतिंग ऋषि के कहने पर चंद्रजल लाने के लिए चंद्रगिरी पर्वत पर बिना पादुकाओं के गए। पिताश्री आपको तो बहुत पीड़ा हो रही होगी ना? नहीं पुत्र, मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसके कष्ट दूर करने में यदि कोई पीड़ा होती है तो वो भी सुखदायी होती है। तुम चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारी माँ ने औषधि लेप लगा दिया है। किंतु पिताश्री आपको तो पीड़ा हो ही रही होगी ना? माँ आप शीघ्र ही लेप दीजिए, मैं पिताश्री को अपने हाथों से लेप लगाऊंगा। पिताश्री पाँव रखिए यहाँ। पिताश्री मैं नहीं था ना, इसलिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, किंतु आपने बताया तक नहीं और आप मेरे लिए युद्ध अभ्यास करने लगे। पुत्र हनुमान, माता पिता के लिए संतान के सुख के समक्ष किसी भी पीड़ा का मोल नहीं है। किंतु पिताश्री आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये लो हनुमान, पिताश्री मैं लेप लगाऊंगा तो आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। मुझे तो असीम सुख की अनुभूति हो रही है पुत्र, माता पिता को सबसे बड़ा सुख तभी प्राप्त होता है जब उसकी संतान उसकी सेवा करती है। पिताश्री मुझे भी आपकी सेवा करते हुए असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। ये
गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सच्चे सुत हैं मारुति धीर, मातु पिता सेवा व्रत वीर। जनक जननी सेवा अनमोल, जग में कौन लगाए मोल। आज्ञा पालन हनुमत धर्मा, सेवा कर्म सुपावन कर्मा। मारुति पुत्र बिरल जग माही, तुम समान सुत को नहीं चाही। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उस अबोध बालक को तो ज्ञात भी नहीं है कि जिन देवताओं और सृष्टि के लिए उसने बार बार कष्ट सहे, अपने प्राण संकट में डाले, वही देवता उसके विरुद्ध देव सभा का आयोजन कर रहे हैं। कितने दिनों के पश्चात आज वो नन्हा बालक अपनी मां के आंचल में सोया होगा। देवराज, उसे पुरस्कार देने के स्थान पर हम उसे दंड देने के लिए विचार विमर्श करेंगे। देव ऋषि, अब आप ही बताएं कि ये कहां का न्याय है। व्यवस्था है नियमों की वायुदेव, काल के नियम बड़े ही कठोर हैं, और नियम भंग करने वाला बालक हो या कोई देव, वो नियम अनुसार दंड का भागी तो होता ही है। स्वप्न, किंतु पिताश्री तो वैसे भी कष्ट में है, उन्हें स्वप्न के विषय में बताऊंगा तो वो और विचलित हो जाएंगे। मैं स्वयं ही स्वप्न के विषय में समझने का प्रयास करता हूँ। यही है वो स्थान जहाँ से वो आसुरी छाया आगे बढ़ी थी। देवर्षि, प्रणाम। देवर्षि, आप यहाँ? हनुमान, अभी जो कुछ भी घटित हुआ था उससे कुछ परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं तुम्हारे विरुद्ध, जिनका सामना तुम्हें करना होगा। प्रणाम देवर्षि, आप किन परिस्थितियों के विषय में बात कर रहे हैं? हनुमान से कोई भूल हुई है क्या? देवी अंजना, अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति स्वयं को जलाती है, इसे ज्योति की भूल कहेंगे क्या? ऐसी ही कुछ भूल हुई है हनुमान से, किंतु इसे भूल समझने वाले देवताओं ने हनुमान को दंड देने के लिए देव सभा बुलाई है। क्या भूल कर दी मैंने देवर्षि? हनुमान पुत्र, तुमने सृष्टि की रक्षा करने के लिए काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाया था। जिससे समय असंतुलित हो गया और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति परिवर्तित हो गई, यही भूल थी तुम्हारी। देवर्षि, कालदेव भी मुझसे इसी बारे में कुछ इंगित कर रहे थे, किंतु कोई बात नहीं, मैं अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करूंगा। इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कालदेव ने देव सभा बुलाई है। उनका मानना ये है कि तुमने उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया है। पुत्र हनुमान, भूल चाहे अज्ञानवश ही हुई हो, किंतु उसे सुधारने का प्रयास तो करना ही चाहिए, और साथ ही क्षमा प्रार्थना करने से
दोष का मार्जन भी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें काल देव से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा और प्रयास करूँगा कि ग्रहों की स्थिति भी ठीक कर पाऊँ। हनुमान, ये जान लो पुत्र कि देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तो अनिष्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए उचित होगा कि तुम अविलंब जाकर स्वयं ही देव सभा में उपस्थित हो जाओ। आरोपी के स्वयं उपस्थित हो जाने से भी दंड प्रक्रिया में उदारता से निर्णय लिया जाता है। किंतु वहाँ कोई माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप केवल मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। अपना ध्यान रखना पुत्र। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। आज्ञा दे माँ। ग्रह नक्षत्र तो यही है, किंतु मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि इनके पूर्व की स्थिति कैसी थी। अब मैं कैसे इनकी स्थिति ठीक करूंगा? ये लो जल से भरा पात्र। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है, और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्का पिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी। गुरुदेव सूर्यदेव, शिक्षा ग्रहण करते हुए मैंने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया था। उस समय को स्मरण करना होगा, तो ही मैं इन सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक कर पाऊंगा। अब मुझे ग्रहों का ज्ञान दीजिए। तो ये है ग्रह नक्षत्र की स्थिति, किंतु आज की स्थिति? अब पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति की तुलना करता हूँ। अब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ववत हो जाएगी। हनुमान, तुमने मेरे बुध ग्रह को पुनः अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया है, तुम्हें धन्यवाद। क्षमा करें बुध देव। तुमने मेरे ग्रह की स्थिति को ठीक किया है हनुमान, तुम तो आशीर्वाद के पात्र हो।
क्षमा क्यों मांग रहे हो? बुद्धदेव, मेरे कारण आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिवर्तित हो गई थी, इसीलिए क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय बजरंग ज्ञान के सागर, तब विवेक से सृष्टि उजागर। अर्जित ज्ञान सकल अपनाते, सृष्टि को मंगलमय बनाते। अपनी भूल सुधार करे जो, सच्चा पीर कहे जग उसको। महाविनम्र महाबलशाली, मारुति महिमा जग से निराली। राधा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भूल तो सबसे होती है, किंतु महान वो होता है जो अपनी भूल को स्वीकार करता है, जो अपनी भूल से उपजी हुई विसंगतियों का शमन करने का प्रयास करता है। अपनी भूल के लिए विनम्रता के साथ क्षमा मांगने वाला व्यक्ति दुर्बल नहीं, साहसी होता है। क्योंकि क्षमा मांगने का साहस सब नहीं कर पाते हैं। भूल करने से उत्पन्न हुई विसंगतियां कभी कभी बड़े अनर्थ का कारण बन जाती हैं। अतः यदि कोई भी भूल हो तो शीघ्र ही उसे स्वीकार करके उसका निवारण करना चाहिए। प्रणाम कालदूतों, मैं केसरी नंदन अंजने पुत्र हनुमान हूँ। पृथ्वी लोक के सुमेरु से आया हूँ। मुझे कालदेव से भेंट करनी है। हनुमान, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? पहले तो तुम्हारे पास कालदेव के लिए समय ही नहीं था। मुझे क्षमा करें चित्रगुप्त जी, उस समय मुझे मेरी माँ का वचन एवं व्रत भी पूर्ण करना था, और मैंने कालदेव से ये भी कहा था कि मैं वापस आऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। किंतु वो यहाँ नहीं है। तुम्हें देव सभा में मिलेंगे जो उन्हीं ने आयोजित की है। तुम्हारे विरुद्ध विचार विमर्श करने के लिए सभी देवता वहाँ पहुँच गए होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं कालदेव? देव उचित कार्य किया है हनुमान ने, उसके प्रति इतनी कठोरता उचित नहीं है। नियमों का पालन कठोरता से ही करना चाहिए देवराजेंद्र। आपने भी एक समय हनुमान को कठोर नियम से बांध कर रखा था जब उसकी मां स्वर्ग में आ गई थी। अपराध के निर्णय में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता। अब तो उसका निर्णय न्याय सभा में ही किया जाएगा। उसने अपराध किया है तो दंड तो उसे भुगतना ही होगा। हनुमान ने नियम तोड़ा है, उसे दंड तो मिलेगा ही। प्रणाम देवगणों। कल्याण वस्तु। प्रणाम कालदेव। हनुमान, तुम्हारा स्वागत है सभा में। क्षमा करें देवराजेंद्र, हनुमान इस समय अतिथि नहीं आरोपी है। आप उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं? कालदेव, कालदेव, आपका रुष्ट होना तो स्वाभाविक ही है। मैं आपसे क्षमा मांगने ही आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए।
नारायण। प्रणाम देवर्षि। कालदेव, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, किंतु मैंने सृष्टि की रक्षा के लिए ये सब किया। मुझे ज्ञात है कि तुमने सृष्टि को बचाने के लिए अज्ञानवश ये सब किया है। कालदेव, भले ही अज्ञानवश हनुमान से सृष्टि के नियम भंग हुए हैं, किंतु हनुमान का कार्य परोपकार की श्रेणी में आता है और परोपकार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, दंड नहीं। हनुमान ने क्षमा प्रार्थना कर ली है कालदेव, आपको हनुमान को भी क्षमा कर देना चाहिए। आप मुझे क्षमा कर देंगे ना कालदेव? हनुमान, सृष्टि को बचाने की प्रक्रिया में सृष्टि का नियम भंग हुआ है, और यदि नियम भंग करने वाले को यूं ही क्षमा मिलती रही तो अराजकता फैल जाएगी। नियम का पालन कोई नहीं करेगा। पुत्र कालदेव, सृष्टि की रक्षा करने में आप भी असमर्थ रहे थे। हनुमान ने जो भी किया है वो परिस्थिति के अनुसार उचित था, नहीं पिताश्री, वो उचित नहीं था। हनुमान ने काल के कार्य में हस्तक्षेप किया था, काल चक्र विपरीत दिशा में घूम रहा था, ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिवर्तित हो गई थी। कालदेव, जिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति प्रभावित हुई थी उन्हें मैंने यथावत कर दिया है। उनकी स्थिति को ठीक करके तुम क्षमा के पात्र नहीं हो जाते हो हनुमान। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हनुमान ने काल के कार्य में हस्तक्षेप किया था, काल चक्र विपरीत दिशा में घूम रहा था, ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिवर्तित हो गई थी। कालदेव, जिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति प्रभावित हुई थी उन्हें मैंने यथावत कर दिया है। उनकी स्थिति को ठीक करके तुम क्षमा के पात्र नहीं हो जाते हो हनुमान। किंतु कालदेव, हनुमान ने अमृत की रक्षा करके हम सभी देवताओं पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देवराज, मैं कालदेव की बात का समर्थन करता हूँ। जो नियम तोड़ेगा वो दंड का पात्र तो होगा ही, और यदि नियम का पालन नहीं करना है तो नियम बनाने की आवश्यकता क्या है? अग्निदेव, कर्म का उद्देश्य एवं परिणाम निर्धारित करते हैं कि कर्म करने वाला दंड का भागी है या पुरस्कार का पात्र, और हनुमान के कर्म का उद्देश्य एवं परिणाम दोनों ही सृष्टि के हित के लिए थे। कारण कुछ भी हो, बात है नियम भंग करने के लिए दंड देने की। मात्र ग्रहों की स्थिति बदलने के लिए आप हनुमान को दंड का भागी बना रहे हैं। यदि समस्त ग्रह काल चक्र में समा जाते तो क्या होता? इसीलिए उचित ये रहेगा कालदेव कि आप हनुमान को क्षमा कर दें। आप ग्रह अध्यक्ष होकर ऐसा कैसे कह सकते हैं? राजा हो या अध्यक्ष, अगर वो नियम का पालन कठोरता से नहीं करा सकता है तो उसे अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अग्निदेव, कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में आप मुझे ना ही समझाएं तो उचित होगा। ये क्या हो रहा है? इनमें तो आपस में ही विवाद बढ़ने लगा। अग्निदेव, कालदेव, यदि अमृत असुरों के हाथ आ जाता तो हम सब देवता असुरों के द्वारा बंदी बन जाते
हनुमान ने तो अमृत की रक्षा की है और आप उसको पुरस्कार देने के स्थान पर उसे दंडित करने की बात कर रहे हैं। हनुमान के अच्छे कार्य के लिए तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया है पिताश्री चंद्रदेव, किंतु नियम भंग का दोष तो नहीं हट जाता उनके कार्य से? पुत्र बुद्ध, सत्कर्म से अर्जित किए हुए पुण्य पापों को क्षय कर देते हैं, तो अच्छे कर्म दोष का निवारण क्यों नहीं कर सकते? चंद्रदेव सत्य कह रहे हैं, हनुमान दंड का पात्र नहीं है। नियम तोड़ने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए। मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा। नियम है तो यम है। मेरी एक छोटी सी भूल इतने बड़े विवाद का रूप ले लेगी, ऐसी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं इनमें देव संग्राम ना छिड़ जाए। हनुमान को कोई दंड नहीं देगा। यदि उसे दंड देने की कोई चेष्टा भी करेगा तो उसे मेरे साथ युद्ध करना होगा। पिताश्री, हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। सृष्टि का नियम ही है ये, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके लिए मुझे अपने पुत्रों के विरुद्ध शस्त्र भी उठाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ हाँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे कारण देवताओं में युद्ध छिड़ जाए ये उचित नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हनुमान को नियम तोड़ने का दंड अवश्य मिलेगा। यदि उसे दंडित होने से बचाने के लिए मुझे आपके विरुद्ध भी शस्त्र उठाने पड़े तो मैं शस्त्र उठाऊंगा। पिताश्री, हम शस्त्र उठाएंगे। देवताओं, मैं तो पृथ्वी लोक का एक वासी हूँ, छोटा सा बालक हूँ। मेरे कारण आप सब आपस में युद्ध मत कीजिए। कालदेव, मैंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया है, मुझे मात्र मेरी माँ का वचन पूर्ण करना था। तो तुम अपनी माँ का वचन निभाने के लिए हम देवताओं के भी नियम तोड़ दोगे? क्या तुम्हारी माँ हम देवताओं से भी बड़ी हो गई है क्या? हाँ कालदेव, एक पुत्र के लिए उसकी माँ का आंचल उसका संसार होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। कालदेव, कालदेव मेरी जननी देवी है मेरी माँ, मेरी सृष्टि करता है मेरी माँ। वो नहीं होती तो मेरा जन्म भी नहीं होता। मेरी माँ से बड़ा कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं। सत्य है हनुमान, माँ ही तो सृष्टि करता होती है। माँ ना हो तो जगत ना हो। पुत्र हो तो हनुमान जैसा, जो माँ की महानता को समझता है। अपनी माता के चरणों की सेवा करने वाला पुत्र मोक्ष का अधिकारी होता है। हनुमान, मातृभक्ति का अनुपम उदाहरण हो तुम। माँ विधाता की सबसे सुंदर रचना है। माँ संतान को जन्म देने वाली, सृष्टि के सृजन की सबसे बड़ी सूत्रधार है माँ। उसका आंचल संतान के लिए स्वर्ग से भी अधिक सुखदायी होता है, जिसमें पलकर ही संतान संसार को देखने
और समझने योग्य बनती है। यदि मां ना हो तो संतान ना हो, ये संसार ना हो। जिस प्रकार गजानन गणेश ने गौरी शंकर को सर्वोच्च स्थान दिया था, उसी प्रकार हनुमान ने भी मां को सर्वोच्च स्थान दिया है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा है। जो ऐसा करता है उसे किसी भी तीर्थ या दान पुण्य की आवश्यकता नहीं होती, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कालदेव, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि माता पिता से बड़ा संसार होता है, इसीलिए मैं संसार की रक्षा करने हेतु जो कुछ भी कर पाया वो मैंने किया। और उसी मध्य मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड स्वीकार है। सूर्यदेव, आप सब देवताओं ने मेरा पक्ष रखा, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। किंतु मैं जानता हूँ यदि मेरी माँ को ज्ञात हो गया कि उनके पुत्र के कारण समस्त देवताओं में युद्ध छिड़ गया है तो उन्हें बहुत दुख होगा, और उनके दुख से बड़ा दंड मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। कालदेव, यही उचित होगा कि आप मुझे दंड दे दें और इस विवाद को यही समाप्त कर दें। मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूँ। हाँ हनुमान, काल सभी का भविष्य गुप्त रखता है। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब कहाँ कैसे क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। जैसी आपकी इच्छा कालदेव, मुझे आज्ञा दें। मेरी माँ व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। प्रणाम कालदेव। प्रणाम देवगणों। प्रणाम देवराज। मुझे भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम। वादी देव, हनुमान के प्रति कालदेव की यह कठोरता उचित नहीं है। देवेश्वरी, धूप जहां पातिक के लिए असहाय होती है, वहीं संसार के लिए जीवनदायिनी शक्ति होती है। वृक्ष की छाया पथिक को सुखद प्रतीत होती है, वही छाया वृक्ष के नीचे उगने वाले पौधों के विकास के लिए बाधक होती है। अतः उचित अनुचित का दृष्टिकोण सबका भिन्न भिन्न होता है। वायुदेव के हृदय में हनुमान के प्रति पितृभाव, सूर्यदेव, चंद्रदेव हनुमान के कार्य को जगत कल्याण से जोड़कर देख रहे, तो दूसरी ओर शनिदेव, कालदेव नियमों के पालन को प्रमुखता देते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो उचित अनुचित का निर्णय अपने अहंकार से करते हैं और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि समझते हैं। नहीं हुआ है जो हुआ है।
जो पिया है वो अमृत नहीं, चंद्रलोक का जल है, साधारण चंद्र जल। स्वभाव है संसार के समस्त असुरों के सामने अपमान किया गया, आपके परम ज्ञानी रावण का अपमान किया गया। और क्यों हुआ यह अपमान? इस अपमान का कारण है वो जिसे आपने अपने शीश पर बैठा रखा है, कपटी। चंद्रदेव ने छला है मुझे। उतार कर देख दीजिए उस कपटी चंद्र को, अपने शीश से चंद्रशेखर महादेव, अन्यथा मैं उतार कर फेंक दूंगा अपने शीश को और डाल दूंगा आपके चरणों में। मेरे अपमान के वक्त मौन बैठे हुए थे ना आप, तो अब मैं भी मौन हो जाऊंगा सदा के लिए। मुझे अमृत चाहिए महादेव, मैं अपना शीश आपके चरणों में डाल दूंगा। महादेव स्वीकार करिए मेरा शीश। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब कहां कैसे क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। अच्छा होता कालदेव दंड के विषय में बता देते, ना जाने क्या दंड देंगे वो, किस रूप में देंगे। भवन के द्वार पर कोई है, कुछ देखा सा प्रतीत हो रहा है। ये तो स्वप्न वाला दृश्य है। सैनिक, ये कार्य अति आवश्यक है, शीघ्र हो जाना चाहिए। कहीं ये पिताश्री तो नहीं? पिताश्री, ध्वज महल के ऊपर से गिरा था। ये क्या, ये ध्वज कहीं मेरे पिताश्री के ऊपर गिर गया तो?
काल सभी का भविष्य गुप्त रखता है। समय से पहले किसी को भी ज्ञात नहीं होता कि काल कब कहां कैसे क्या कर सकता है। तुम्हारा दंड भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारा दंड पूर्ण होगा। अब जाओ और अपने दंड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करो। कहीं ये कालदेव का दंड तो नहीं है? किंतु दंड मुझे मिलना चाहिए। पिताश्री पर संकट क्यों आया, और वो भी ठीक स्वप्न की भांति? ये क्या पहेली है? क्या करूं? किससे पूछूं स्वप्न के विषय में? नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा स्वप्न के विषय में, नहीं तो सब बहुत चिंतित हो जाएंगे। हनुमान रो रहा है? कितने असुरों को परास्त करने वाला हनुमान, सारी सृष्टि के संकट हरने वाला हनुमान रो रहा है? कहीं ये दुर्घटना किसी बड़ी अनहोनी का संकेत तो नहीं? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।